Hi kids, welcome to your SST class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your book that is Jelly Bean Journeys by Brain Root Publications. Children, I hope you all are doing well. आप सभी अच्छे से हैं और आप सभी excited हैं एक नया chapter start करने के लिए. Even I am excited. आज हम पढ़ेंगे chapter number 18, ठीक है? और चैप्टर नंबर 18 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में, यानी कि विश्व प्रसिद्ध साइट्स जो कि इंडिया में हैं. आपको याद है बच्चों, हमने अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक चैप्टर पढ़ा था अबाउट यूनाइटेड नेशंस, राइट? वहाँ हमने यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट एजेंसीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें से यूनेस्को एक है. और यूनेस्को क्या करती है? वर्ल्ड के हेरिटेज और कल्चरल साइट्स को मेंटेन करती है, राइट? मैंने आपको बताया था चैप्टर पढ़ते वक्त कि ये जो हम सेवन वंडर्स पढ़ते हैं या इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, इन सभी का एक लिस्ट जो है यूनेस्को मेंटेन करता है. इन सभी इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने का काम या इनकी देखरेख करने का काम या इनको वर्ल्ड में पॉपुलर बनाने का काम यूनेस्को का है. तो आज हम कुछ ऐसी ही वर्ल्ड पॉपुलर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया है और ये इंडिया में हैं. तो आइए चलते हैं एक इंटरेस्टिंग जर्नी पर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. इसमें से इंडिया में ये जो इम्पोर्टेंट साइट्स है, जैसे रेड फोर्ट, सन टेम्पल एट कोणार्क, ताजमहल, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, इन सभी के बारे में हम आज पढ़ेंगे. इससे पहले कि हम चैप्टर शुरू करें, लेट्स रिट्राइव. आइडेंटिफाई द फेमस स्ट्रक्चर शोन इन दीज पिक्चर्स एंड नेम देम. हमें इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है. ये इंडिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स में से है. आप बता सकते हैं ये क्या है? ये है इंडिया गेट, राइट? उसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये है जंतर मंतर, ठीक है? एंड दिस, येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये है ताजमहल जो कि आगरा में है. ऑलराइट, सो इन सभी के बारे में हमें पता है, हमने कभी ना कभी इन सभी की पिक्चर्स देखी हैं. आज हम इनमें से कुछ के बारे में और इनके साथ और भी कुछ साइट्स के बारे में जानेंगे. सो लेट्स बिगिन. वर्ल्ड हेरिटेज साइट. अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या, है ना? ये समझना पहले ज़रूरी है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या है. A World Heritage Site is a landmark or area with legal protection by international convention administered by United National Education, Scientific and Cultural Organization, that is UNESCO. यानी कि किसी एरिया या किसी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग या किसी लैंडमार्क को जब इंटरनेशनल कंजर्वेशन मिलता है, यानी इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मिलता है, क्योंकि वो हमारे लिए एक अमूल्य धरोहर है, तब उसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोलते हैं. और इसके प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? इसके प्रोटेक्शन का काम यूनेस्को करता है, ठीक है? यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है यूनेस्को, जो कि इस काम को देखता है. अब इन साइट्स में तरह तरह की चीज़ें आ सकती हैं. इनमें फॉरेस्ट आ सकते हैं, माउंटेन आ सकते हैं, लेक्स आ सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस, इवन सिटीज़. ये सभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ सकता है अगर ये यूनिक है या ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. ओके, द एम ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एनी साइट एज हेरिटेज इज़ टू एंश्योर इट्स कंजर्वेशन फॉर द फ्यूचर. यानी किसी भी चीज़ को अमूल्य धरोहर बनाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि वो हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रिजर्व रहे, ताकि वो लोग भी इन्हें देख सकें और इंस्पायर हो सकें, राइट? सबसे पहले हम पढ़ेंगे फेमस ताजमहल के बारे में, जो कि सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से भी एक है, ठीक है? द ताज महल्स इमेंस मेसोलियम ऑफ वाइट मार्बल बिल्ट इन आगरा बाय द ऑर्डर ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ बेगम मुमताज महल. तो ताज महल एक बड़ा सा मेसोलियम है जिसको किसने बनवाया था? इसको शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में. उनकी मृत्यु के बाद उनकी यादगार के तौर पे ताजमहल बनवाया गया.
शाहजहां ने जब ये बनवाया तब ये पूरा सफ़ेद संगमरमर का बनवाया था। कई दिन लग गए, कई महीने, कई साल लगे ताजमहल को बनाने में और बहुत सारे मज़दूरों ने ताजमहल को बनाया था। द ताजमहल इज़ द ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द यूनिवर्सली एडमायर्ड मास्टरपीसेस ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से ताजमहल एक बहुत ही खूबसूरत इमारत है जिसको सभी लोग दूर दूर से देखने आते हैं। मतलब हर रोज़ बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं देश विदेश से ताजमहल को देखने आते हैं। इट स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर, यानी यमुना नदी के तट पे ताजमहल बनाया गया है। इट स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाई गार्डन्स एंड वाटर चैनल्स। इट कंटेन्स द ग्रेव्स ऑफ एम्परर एंड एम्प्रेस। मतलब यहाँ पे शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्र है, ठीक है, यहाँ पे उनकी जो बॉडीज़ हैं उनको दफनाया गया है। सी कितना सुंदर सा है, दिस इज़ द मेन स्ट्रक्चर और इसके आसपास यहाँ पे जो है वाटर बॉडीज़ हैं, गार्डन्स हैं और ये काफ़ी सुंदर लगता है स्पेशली फुल मून नाइट पे, ठीक है। इट इज़ गार्डेड बाई फोर मिनारेट्स विच आर टॉप्ड बाई अ कियोस्क और छतरी एट ईच कॉर्नर। चारों तरफ चार इम्पॉर्टेंट पिलर्स हैं और पिलर्स के ऊपर कियोस्क हैं या छतर भी बोलते हैं हम उसको। डिटेल्ड फ्लोरल कार्विंग्स, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस, ब्यूटिफुल कैलीग्राफी एंड प्रेशियस स्टोन एडॉर्न द वॉल्स ऑफ मूवमेंट। यानी इस मॉन्यूमेंट की दीवारों पे आपको तरह तरह की नक्काशियाँ मिल जाएंगी, बहुत प्रेशियस जेम स्टोन्स लगे हुए मिल जाएंगे और इसके अलावा जो है तरह तरह की उर्दू में या अरेबिक में अलग अलग तरह की राइटिंग्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी। इट वॉज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स पीरियड्स एंड टुक 22 ईयर्स टू बिल्ड। सबसे महंगा इमारत है उस ज़माने का और इसको बनाने में 22 यानी 22 ईयर लगे। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एंड ऑफिशियल डिग्निट्रीज विजिट इट एवरी ईयर। हर साल लाखों की तादाद में इसे लोग देखने के लिए आते हैं। एक फैक्ट पढ़ लेते हैं, इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये 7 अजूबों में से एक है एंड करीब 22,000 लेबरर्स ने इस पर काम किया है। ऑल राइट, 22,000 मजदूरों ने ताजमहल को बनाते वक्त अपना जो है काम किया है, योगदान दिया है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मॉन्यूमेंट यानी रेड फोर्ट, लाल किला। ये दिल्ली में स्थित है। ऑलराइट, कभी भी आप दिल्ली जाएं तो आराम से रेड फोर्ट देख सकते हैं। द रेड फोर्ट और द लाल किला वॉज डिजिग्नेटेड बाई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2007। 2007 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई शाहजहां वेन ही एस्टैब्लिश शाहजहानाबाद। जब उन्होंने शाहजहानाबाद इस्टैब्लिश किया तब इसको कंस्ट्रक्ट किया था। आज ये दिल्ली में है और 17th सेंचुरी में दिल्ली में ही स्थित है। मतलब 17वीं शताब्दी से आज तक ये इंटैक्ट दिल्ली में एज इट इज है। द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। ये जो पूरी इमारत है ये रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है, ठीक है, और इसीलिए इसको रेड फोर्ट बोला जाता है यानी लाल किला बोला जाता है। इट इज़ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स विच हाउसेज सेवरल रॉयल बिल्डिंग्स। इसके अंदर बहुत सारी रॉयल बिल्डिंग्स हैं जैसे कि द दीवाने आम, द दीवाने खास। ये सब पब्लिक और प्राइवेट कामों के लिए राजा यानी जो शाहजहां या और जो राजा थे उनके द्वारा यूज़ किया जाता था। द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वॉज सीटेड इन दीवाने आम। जो पीकॉक थ्रोन है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था वो भी इसी रेड फोर्ट के अंदर दीवाने आम में रखा जाता था। रंग महल वॉज अ पैलेस ऑफ क्वींस। इसी के अंदर एक छोटा सा महल और है रंग महल जो कि रानियों के लिए स्पेशली बनवाया गया था। इट ओवरलुक्स द यमुना, मोती मस्जिद, द मॉस्क, नकार खाना दैट इज नौबत खाना, ये सब एंट्रेंस गेट पे है और मीना बाज़ार इज़ द फेमस मार्केट इनसाइड द फोर्ट। इसके अंदर जब जाएंगे तो एक बहुत ही फेमस और पॉपुलर मार्केट है जिसको मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है जो आज भी लगता है। बाज़ार इज़ फेमस मार्केट इनसाइड द फोर्ट। चांदनी चौक एंड जामा मस्जिद आर लोकेटेड जस्ट अपोजिट टू इट, यानी लाल किला के जस्ट दूसरे तरफ यानी अपोजिट साइड में आपको जामा मस्जिद और चांदनी चौक दिखाई देगा।
It is a national monument. On Independence Day every year, the Prime Minister of India hoists the national flag at Red Fort and addresses the nation from there. हर साल 15 अगस्त के दिन हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा तिरंगा यहीं से फहराया जाता है और प्रधानमंत्री यहीं से पूरे देशवासियों को अपना भाषण देते हैं. ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क. अब हम हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे. द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क दैट इज़ GHNP इज लोकेटेड इन कुल्लू रीजन. ये कुल्लू मनाली जो जगह है वहाँ के कुल्लू रीजन में हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है. इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1984 में इसकी रचना हुई थी एंड वॉज फॉर्मली नोटिफाइड एज नेशनल पार्क इन 1999 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया. GHNP वॉज अवार्डेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2014, यानी 2014 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया. और क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत तरह तरह के प्रजाति हैं पशु पक्षी की, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपको बर्ड्स एनिमल्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे. द पार्क प्रोटेक्ट्स ओवर 1000 प्लांट स्पीशीज इंक्लूडिंग मेनी मेडिसिनल हर्ब्स, 31 मैमल स्पीशीज एंड 209 बर्ड स्पीशीज एज वेल एज एम्फीबियंस रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स. तो इस पार्क में आपको 1000 से भी ज़्यादा पेड़ देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से बहुत सारे क्या हैं, मेडिसिनल क्वालिटीज़ हैं जिन पेड़ों में. इसके अलावा करीब आपको 31 मैमल यानी पशुओं की डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति देखने के लिए मिलेगी, 209 से ज़्यादा बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के, एंड इसी के साथ एम्फीबियंस रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स की तो क्या कहना, बहुत सारा असंख्य यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी देखने के लिए मिलेगी. नोटेबली ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर सेवरल ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज इंक्लूडिंग द एल्यूसिव म्यूजिक डियर एंड द रेयर वेस्टर्न हॉर्न्ड ट्रैपोगन. अलग अलग तरह के एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड एनिमल्स को भी इन जंगलों में प्रोटेक्शन मिलता है और इसीलिए ये इतने ज़्यादा फेमस हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट दिस फेमस सन टेम्पल एट कोणार्क. अगर आप जगन्नाथपुरी जाओ, यानी पुरी में उड़ीसा में एक जगह है पुरी जो कि जगन्नाथ देव के दर्शनों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर आपको सन टेम्पल कोणार्क देखने के लिए मिलेगा जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट माना जाता है इंडिया का भी और उड़ीसा का भी. ठीक है, The Sun Temple at Konark in Odisha was declared the World Heritage Site by UNESCO in 1984 में इसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था. ये इंडियन टेम्पल्स में से एक बहुत ही फेमस टेम्पल्स में से आता है. इट वॉज बिल्ट बाई राजा नरसिम्ह देव वन ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी. इट इज़ डेडिकेटेड टू सन गॉड. ये सूर्य भगवान को समर्पित है. पूरा मंदिर जो है सूर्य भगवान के ऊपर ही है. इट वॉज बिल्ट ऑन द शेप ऑफ हिज चैरियट इन 13th century. मतलब सूर्य भगवान का जो रथ है उसी शेप में इस टेम्पल को बनाया गया है. ऑलराइट, दिस टेम्पल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन टेम्पल्स इन इंडिया. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लैक पगोडा. इसको ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है. अब हम पढ़ेंगे माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया. ठीक है, रेलवेज़ इंडिया का एक बहुत ही अहम भूमिका है और हम माउंटेन रेलवेज़ यानी पहाड़ों पे जो रेलवेज़ जिसकी वजह से इंडिया फेमस है उसके बारे में पढ़ेंगे. ओल्ड एंड आउटस्टैंडिंग द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. द हेरिटेज साइट इज मेड अप ऑफ 3 रेलवेज. 3 रेलवेज़ को मिला के ये माउंटेन रेलवेज बना है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे एंड नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इन सबको मिला के जो है, एंड द कालका शिमला रेलवे. ठीक है, ये 3 हैं, द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दिस इज द फर्स्ट वन, देन द नीलगिरी माउंटेन रेलवे एंड लास्ट द कालका शिमला रेलवे. इन तीनों को मिला के माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया तैयार हुआ है. ये रेलवे रूट्स जो है हिमालयन और वेस्टर्न घाट्स में चलती हैं. ऑलराइट, दीज रेल रूट्स वर कमीशन बाई ब्रिटिश ड्यूरिंग देयर रूल्स. ये एक्चुअली शुरुआत इसकी ब्रिटिशर्स ने की थी जब वो हम पर राज कर रहे थे.
मोस्ट ऑफ द ट्रेन्स आर स्टिल इन ऑपरेशन. इसमें कई सारी ट्रेन्स आज भी चलती हैं और अभी भी प्रॉपरली वर्क कर रही हैं. दे रन ऑन स्टीम इंजन्स एंड आर सम ऑफ द फ्यू नैरो गॉज ट्रेन्स इन द वर्ल्ड. ये स्टीम इंजन्स पे रन करती हैं और इनका जो रास्ता है ये बहुत ही पतला और बहुत ही ज़्यादा संकरीय है. With sharp curves and steep elevation, these trains can even provide an adventure of a trip to hill stations. जो भी लोग हिल स्टेशंस पर जाते हैं वो इन ट्रेन्स की सवारी एक बार ज़रूर करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही मज़ा आता है इन ट्रेन्स को देखने में और इन ट्रेन्स के थ्रू सफ़र करने में. तो आज हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ा. इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के साथ हमने डील किया है, तो एक बार उन्हें और पढ़ लेते हैं. हेरिटेज साइट, हेरिटेज साइट का मतलब कोई भी हिस्टोरिकल साइट. ऑल राइट. लैंडमार्क एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी सीन इजीली फ्रॉम अ डिस्टेंस. यानी किसी दूरी से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देख सको उसको हम लैंडमार्क बोलते हैं. ग्रेव मीन्स अ प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बरीड, यानी जहाँ पे दफनाया जाता है मृत शरीरों को. स्टीप एलिवेशन, लो टू हाई और फ्रॉम हाई टू लो, यानी या तो नीचे से बहुत लो से हाई की तरफ जा रहा है या बहुत ऊंचे से नीचे आ रहा है. ठीक है. व्हाट डिड वी स्टडी इन दिस चैप्टर, लेट्स लुक ओवर. अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ लैंडमार्क और एन एरिया विद लीगल प्रोटेक्शन बाय अन इंटरनेशनल कन्वेंशन एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूनेस्को. द ताजमहल इज अ वाइट मार्बल मसोलियम बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज लविंग वाइफ दैट इज बेगम मुमताज महल. And Red Fort was built by Shah Jahan. It is made of red sandstone. All right. हमने इनके बारे में पढ़ा. इसके अलावा हमने कोणार्क के सन टेम्पल के बारे में पढ़ा है, ग्रेट हिमालयन रेलवेज के बारे में पढ़ा है और साथ ही में द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क उनके बारे में भी पढ़ा है. All right, children. Now it's time to do the exercises. So let's get started. The first one. It took more than dash years to build Taj Mahal. Taj Mahal को बनने में कितने साल लगे थे? 22 साल से भी ज़्यादा. So more than 22 years. ठीक है. The right answer is more than 22 years. So we will take 22. Next one. The dash in Red Fort was a palace for queens. Red Fort के अंदर एक महल था जो कि सिर्फ रानियों के लिए था. So the answer is Rang Mahal. The Sun Temple at Konark is also known as Black Pagoda, Blue Pagoda, Green Pagoda or Red Pagoda. So it is known as Black Pagoda. Okay. Now let's do the fill in the blanks. First one, World Heritage Sites are administered by the UNESCO. Right? UNESCO. Second, there are dash World Heritage Sites in India. 5. There are 5 World Heritage Sites in India. ठीक है. Next, third one, dash built the Red Fort. Shahjahan built the Red Fort. Right? Next, the Sun Temple was built by Narsimha Devwan. Narsimha Clear. So with this we are done with tick the correct options and fill in the blanks. Now let's move further. Aage badhte hain. So children, with this we have done the exercises of this chapter. I hope that you have understood the chapter quite well and now you know that India has 5 famous World Heritage Sites which are administered by UNESCO. What are these? The Taj Mahal, the Red Fort, the Konark Sun Temple, all right, then the Great Himalayan Mountains and the Great Mountain Railways. So, ये 5 important World Heritage Sites है जो कि इंडिया को और ज़्यादा popular बनाती है और लाखों tourists को हर साल इंडिया की तरफ attract करती है. Okay, so we are done with the chapter today. I will meet you again with a new chapter where we will learn something interesting and innovative. So, see you all soon. Stay tuned for the new video. Bye bye and take care.